तो भाई वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई जमीन में सो गया, जमीन में अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है यार। दीदी कहे कि बिस्तर छाड़ने के लिए मेरे को नीचे उतार दिए, यही सब एक काम करती है, सुबह सुबह उठाती है। बताओ रात में आदमी काम वाम करके आया है कि मेरे को बिस्तर झाड़ना है, साफ सुथरा करना है। आप उठिए, दोनों माँ बेटी को देखिए, दोनों बाप बेटी नहीं, बाप बेटी, बाप बेटी सॉरी, दोनों बाप, माँ के साथ बेटी सुन रहा था ना, बाप बेटी ना बेटा, हम लोग दोनों को नीचे उतार दिया है ना। नहीं, आप लोग इतने गंदे हैं। क्या गंदे हैं जी, क्या गंदे बताइए। अच्छा से समेट करके रखिए है, सब खराब करते हैं। हम लोग दोनों एकदम पूरा फैल के सोते हैं क्या बेटा? हम लोग को फैल के सोने का आदत है, हम लोग को ऐसा सोने का आदत नहीं है ना बेटा। तो भाई तो अभी कुछ प्रोग्राम ये है कि नाश्ता पानी आज नहीं बनेगा, काहे कि इतना दिन से बाबू का हो रहा था पोटी, इसीलिए इनका मम्मी का तो पूरा खाना में रेस्ट्रिक्शन था, तो इनको अभी खाना है डोसा, बोलेंगे डोसा। माथर मुंडू खाना है, माथार मुंडू खाएगा, एग रोल खाना है, ये खाना वो खाना। अम्मी ना थाकले तुम्हें ठीक ऑर्डर करो, चिकन बिरयानी खावे जखन अम्मी ऐसे छिलम। अरे पैसा ऐसे नहीं है भाई, गरीब आदमी है। पैसा पैसा क्यों करते हो, क्यों पैसे पे मरते हो? अरे भाई पैसा ही तो है, पैसा लेके कहाँ जाना है? स्विस बैंक में मेरा अकाउंट है ना, वहीं पर रखेंगे। वही नाश्ता पानी होने के बाद अभी जा रहे हैं छुट्टी लेने के लिए। देखिए बॉस क्या रिएक्शन देता है बेटा, छुट्टी लेना भी खतरों का खेल है। हाँ बिना एप्लीकेशन के लिए मतलब आदमी जंग में जा रहा, तलवार लेके नहीं जाएगा तो कैसे होगा? हाथी काफ़ी है, बॉस को पीटना थोड़ा ना है। गुड्डू हम हमेशा सोचते हैं ना भाई, एप्लीकेशन तो दे दिए, बॉस था नहीं, रहता तो ना बात करते हैं। देखिए तो बॉस देखिए अभी क्या बोलता है, बोले थे तो 5 तारीख से, तो बोले थे डाल देना, तो डाल दिए, अभी बॉस थे नहीं है। तो फिर 1-2 तारीख को फिर से एक बार उनको बोलना पड़ेगा, भाई बहुत दिक्कत है छुट्टी लेना, चलो घर गन्ना का जूस पिलाते, बीवी बोली गन्ना का जूस पी, चलो। ये लड़की आज नहाई है 5 दिन के बाद, अब बदमाशी देख रहे हैं इसका। गुड्डू गुड्डू ओए बदमाशी करती है, बदमाशी करती है तुम, हाँ इसको नहलाने के लिए 3 आदमी चाहिए। तेरी क्या ऐसा अच्छा गाना, तेरी झलक तेरी झलक त्रिबल्ली होता है, तेरी झलक का छपरी क्या होता है। उस दिन जो आप लोग खेलने के लिए नीचे नहीं गए थे, तो एक बच्चा आया था, वो बच्चा तो वैसे कर रहा है क्या, एक कंधा को झुका करके ऐसे करके, हाँ वो क्या है उल्टा चल रहा है उस तरफ चला से कंधा को ऐसे, अबे उल्टा चल रहा है तो भाई शाम के रात के शाम क्या बोलेंगे, रात के 8 बजे चुके हैं और टीओ अभी तक आया नहीं है, नंबर है 20 नंबर दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि आज रात में मिडनाइट में मिलने का चांसेस है, सुबह भी हो सकता है, क्योंकि एक डिरेलमेंट हो गया है रायगढ़ सेक्शन में, तो
वो ड्रिलमेंट हेवी ड्रिलमेंट हुआ है, एक्सपायर्ड हो गया है, परेशानी का बात है। तो इसीलिए रायगढ़ का गाड़ी हो रहा नहीं है, तो मैं भी MCL या संबलपुर गाड़ी होने का ज़्यादातर चांसेस है। तो अभी रोटी शोटी बन रहा है, रोटी वोटी खा के तुरंत आराम करने का सोचे हैं। रुक जाओ यार, इसको संभाल ले दो, ये मेरा आ बेटा आ जाओ। तो भाई एक भाई ने कमेंट किया कि आपका अगर पैसेंजर में वर्किंग हो रहा है तो पैसेंजर के पायलट को या उस पैसेंजर के गार्ड को का सैलरी किसका ज़्यादा होता है। तो भाई बात यह है कि दोनों, जैसे मान लें कि अगर LP है तो PDC किया हुआ उसका भी 4200 ग्रेड पे है, और गार्ड जो है, गार्ड भी सीनियर गुड्स गार्ड है तो उसका भी 4200 ग्रेड पे है। तो डिपेंड्स करता है बहुत ज़्यादा कि दोनों में सीनियर कौन है। तो जो जितना ज़्यादा सीनियर रहेगा उसका उतना ज़्यादा बेसिक रहेगा। तो मेनली पेमेंट जो है आपका बेसिक पे डिपेंड करता है, मैंने बेसिक आपका कितना है, ठीक है। जैसे कि मैं, मेरा जो बेसिक था, हम चालू किए थे आपका 20,000 समथिंग से, ठीक है। तो 20,000 समथिंग से चालू किए थे और अभी जैसे 35,400 के आसपास है। तो जो आपका पैसेंजर पायलट होता है उनका 60,000-62,000 बेसिक ही रहता है इतना ज़्यादा। तो सीनियर गुड्स गार्ड अगर उस सेम बेसिक का रहेगा तो सैलरी बराबर होगा, और सीनियर गुड्स गार्ड का बेसिक कम, उसकी किसी का ज़्यादा कम रहेगा, जो उसका ज़्यादा रहेगा। अगर गार्ड का ज़्यादा बेसिक रहेगा तो जहाँ पर गार्ड का हो, क्योंकि दोनों का 4200 ग्रेड पे है और माइलेज में भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो सैलरी इक्वल होगा तब जब दोनों का बेसिक सेम सेम हो। और बेसिक अगर जिसका भी ज़्यादा है तो वो बंदा मारेगा छक्का, माल ज़्यादा उसका आएगा। हालांकि अगर एक ओवरऑल बात की जाए तो गार्ड जो है वो ज़्यादा कमाता है ड्राइवर से कंपेरिजन में। अगर सिर्फ उसका बात करते हैं, अगर हम लोग की पैसेंजर में या मेल में, तो एक अलग चीज़ हो जाता है, लेकिन ज़्यादा धनवान पार्टी वही है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भाई लोग जो गार्ड उड का तैयारी कर रहे हैं तो भाई भविष्य में आप लोग लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।